आज हमें जो मनोनीत पार्षद की शपथ दिलाई गई वो सब देन मान्य सत्याल साहब की देन है। मान्य गजेंद्र सिंह सत्याल साहब जो कुछ भी कर रहे हैं आज वो वल्लभनगर तहसील के कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं। सत्याल साहब पर्सनल की कोई लड़ाई नहीं है। सत्याल साहब ने जो कुछ भी कदम उठाया वो वल्लभनगर की तहसील में जो भी कार्य बाकी थे, जो भी कार्य करना चाह रहे थे वो कार्य नहीं कर पाए, आगे उनकी सुनवाई नहीं होती थी। जब हमने सत्याल साहब से कहा कि साहब बिंगर में कॉलेज खुलवाने, साहब सेटेलाइट हॉस्पिटल का क्या हुआ, साहब कहते हैं कि आगे सुनवाई नहीं होती, आगे सुनवाई नहीं होती है तो हाईकमान को सुनना चाहिए। माननीय अशोक जी गहलोत साहब को इस बात पे ध्यान लगाना चाहिए, वल्लभनगर तहसील कोई अलग नहीं है। सत्याल साहब जीत के गए, कांग्रेस पार्टी से जीत के गए, अभी भी वो कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेंगे। उनके रग रग में जो खून है वो सब कांग्रेस पार्टी का ही है। मैं माननीय अशोक जी गहलोत साहब से कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार को एकता के साथ रखें, सभी जने एकता में रहकर अपने पार्टी का ख्याल रखते हुए न कि हंसी हो, और सभी जने साथ में रहकर राजस्थान का विकास करें। माननीय गहलोत साहब से ये कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार में जो भी क्षत विक्षत हो रहे उन सभी भाइयों को एक साथ में रखते हुए सभी जने वल्लभनगर तहसील का विकास करें। और सत्याल साहब जो बंटी बना के नाम से एक युवा कार्यकर्ताओं ने नाम दिया था, युवा कार्यकर्ता सभी सत्याल साहब के साथ हैं। और जो उदयपुर में धरना प्रदर्शन दिया गया उसमें सत्याल साहब के कार्यकर्ता एक भी नहीं गए थे। उन सबकी यही इच्छा थी कि सत्याल साहब जो कुछ भी कर रहे वो अपने हक की लड़ाई कर रहे, न कि अलग कोई उनका पर्सनल काम है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सत्याल साहब हम आपके साथ हैं, साथ में रहेंगे। जय हिंद जय भारत। क्या राय है? और सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज जो राजस्थान में स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए मेरा तो स्पष्ट मानना है कि हम किसी और को क्यों दोष दें। अपने घर की बात थी, घर के अंदर जो अगर कोई नाराज हुआ है तो उस नाराजगी की वजह जाननी जरूरी है। आज राजस्थान में इतने सारे विधायक चुन के आए हैं, कांग्रेस के सिंबल पे चुन के आए हैं, उनको अगर किसी अगर व्यक्ति विशेष को पसंद करता है इस कारण से उनके काम नहीं होते हैं तो कहीं कहीं उनकी नाराजगी वाजिब है। आप अपने जो वल्लभनगर के विधायक श्री गजेंद्र सिंह जी सत्यावत साहब हैं वो क्यों नाराज होकर के गए? सत्यावत परिवार स्वर्गीय गुजराती सत्यावत के टाइम से ही स्वर्गीय सत्यावत साहब ने इस कांग्रेस के वटवृक्ष को पूरे राजस्थान में सींचा। आज उनकी पूरा परिवार, उनके दोनों बेटे और हमारे आदरणीय विधायक सत्यावत साहब के रात दिन कांग्रेस को सींचा है, कांग्रेस के लिए कार्य किया है। जब वो सरकार बनी है और कार्यकर्ताओं की आज इतनी अपेक्षा है कि हमारे काम होने चाहिए, सारे विकास होना चाहिए, विधानसभा में छोटे मोटे काम नहीं हो रहे हैं, विकास का कोई 1.5 साल में कोई काम नहीं हुआ है तो जनता को क्या जवाब दे? नाराजगी होना तो वाजिब है। और कार्यकर्ताओं के लिए और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? सचिन जी पायलट जो राजस्थान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या इस सरकार लाने में उनकी कोई भूमिका रही या नहीं रही, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पायलट साहब बहुत ही ऊर्जावान नेता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। युवाओं के अंदर उनका अट्रैक्शन है और कांग्रेस के अंदर युवा अगर जुड़े हैं तो पायलट साहब के वजह से जुड़े हैं। जब से पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया है, कार्यकर्ताओं के बीच गए हैं और निश्चित ही उनके संघर्ष से आज कांग्रेस की सरकार बनी है राजस्थान में। जो नए ऊर्जा जो कांग्रेस से जुड़ी है वो पायलट साहब की वजह से जुड़ी है, हमारे आदरणीय सत्याल साहब की वजह से जुड़ी है, इसमें कोई दोराय नहीं है। और पायलट साहब ने पार्टी के लिए बहुत काम किया है और निष्ठा से काम किया है तो इसमें कोई दोराय नहीं है। राजस्थान के इस मेवाड़ की राजनीति में गजेंद्र सिंह सत्यावत का क्या रोल है, उनकी अनुपस्थिति और उपस्थिति के बारे में बताएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस कह दो या सत्याल साहब कह दो, दोनों एक ही बात है। सत्याल साहब है तो कांग्रेस है, ऐसा हमें लगता है। हमें तो आज तक जब कुछ देखा है तो कांग्रेस को और सत्याल साहब को एक ही माना है। और पूरे मेवाड़ के अंदर देखा जाए तो मेवाड़ में वैसे ही स्थिति इतनी है क्योंकि मेवाड़ के नेताओं को शीर्ष पे क्या पता किस कारण से अवॉइड किया गया। आज हमारे विपरीत परिस्थितियों में सत्याल साहब विधानसभा से जीते हैं, सारे मेवाड़ के लोगों की उम्मीद है सत्याल साहब से भी आज ऐसी स्थिति में जीत के प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वल्लभनगर का। तो निश्चित ही पूरे मेवाड़ पर असर तो पड़ेगा ही, कांग्रेस कैसे रहेगी जब कार्यकर्ताओं की इस तरह से अपेक्षा होगी। तो अब क्या हो, इसके बारे में क्या होना चाहिए, आपकी क्या राय राजस्थान में कांग्रेस सरकार के बारे में क्या हो? मेरा तो ये मानना है कि कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत निष्ठा से काम किया है। उनका सपना था कि हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार बने। गहलोत साहब भी बहुत ही अनुभवी नेता है तो उन्हें सोचना चाहिए कि जो कांग्रेस के सिंबल के खिलाफ चुनाव जीत के आए, जो बागी चुनाव जीत के आए, उनको आप इतना वेटेज दे रहे हो, उनकी बात मान रहे हो। जब आप इतने सारे राजस्थान में कॉलेज की घोषणा की, वहाँ पर कोई बीजेपी का विधायक था वहाँ कॉलेज खुल गया है, जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ चुनाव लड़ के आया बागी, वो ठीक है आज निर्दलीय आपको समर्थन दे रहे, लेकिन उनकी विधानसभा में कॉलेज खुल गया। वल्लभनगर में पायलट साहब एक वादा करके गए थे कॉलेज का, और 30-35 कॉलेज एक साथ राजस्थान में खुलते हैं, वहाँ पर भी हमारे वल्लभनगर का नाम नहीं आता। कहीं कहीं तो आपने सोचा क्या है, तो वाजी बात है आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरवन साहब। आज नगरपालिका भवन में मनोनीत पार्षद शपथ समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हमारे विधायक साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, जनता के काम के लिए जो भी जंग लड़ रहे हैं आज वो मेरी मानसिकता में एकदम सही। हम लोग भी
बहुत सारे ऐसे कार्य लेके गए, हॉस्पिटल को 100 बेड का बनाना, सरदार साहब के मिसेज का देहांत हुआ उस समय मंत्री जी यहाँ आए थे, शमशान में हमने बात की, उन्होंने कहा कि आपकी बजट में मैं 100 बेड की घोषणा कर दूंगा। उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट चुनाव के वक्त भिंडर आए, कॉलेज की घोषणा की, उसके लिए भी बार बार विधायक महोदय ने अशोक गहलोत जी से मांग की, लेकिन हो सकता है उनकी कोई मांग वहाँ खरी नहीं उतरी हो। बाकी वल्लभ नगर तहसील में कांग्रेस पार्टी, इसका मतलब सत्ता साहब है, और सत्ता साहब है तो पार्टी है, मेरी मानसिकता कहती है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि सत्तावत नाम अगर हटता है इस पार्टी के लोगों से तो यहाँ शायद कभी कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाएगा, और नहीं है तो पार्टी करके भी देख ले। मानसिकता अलग अलग प्रकार की होती है, कार्यकर्ता में भी ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता मिल सकते हैं कि हम नेता के साथ नहीं है, पार्टी के साथ हैं। बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, पैसे के लिए गए, लेकिन जब मेरी भी बात हुई साहब से तो उन्होंने कहा मैं विकास के मुद्दों के लिए आया हूँ, पार्टी छोड़ने का 1% भी कोई तात्पर्य नहीं है, ना हम पार्टी छोड़ेंगे, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के थे और कांग्रेस के रहेंगे, और कांग्रेस के अंदर रह के ही मांग करेंगे और विकास के मुद्दे उठाएंगे, और जरूरत पड़ी तो और इस प्रकार के आगे भी भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो इस प्रकार से हम मांग करते रहेंगे। और जब कार्यकर्ताओं काम लेके जाता है और कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता है तो कार्यकर्ता विधायक के ऊपर ही नाराज होते हैं। अब कार्यकर्ताओं को थोड़ी पता कि जयपुर में मुख्यमंत्री जी विधायक साहब काम कर रहे हैं और सुन नहीं रहे। हमने तो दो चार काम ऐसे पड़े, हमारे जयपुर जाने का मौका पड़ा और दो चार काम उनके लेटर पैड पे गए लेकिन नज़रअंदाज कर दिया गया। तो हमको तो एहसास हुआ कि अशोक गहलोत जी जो सचिन पायलट के साथ हैं उनके कार्य नहीं हो रहे। अब रही बात सचिन पायलट जी के साथ जाने की, तो वो तो नेचुरल है, पहले सत्ता साहब ने 98 में सरकार बनी तब गहलोत साहब के साथ फुल प्लेस काम किया तो उन्होंने कौन सा ध्यान दिया। आज वो पायलट साहब के साथ युवा चेहरा है, युवा प्रोजेक्ट है, और उन्होंने 4 साल यहाँ मेहनत की, उनके साथ उन्होंने 4 साल महासचिव रहते हुए राजस्थान में काम किया, तो उनके साथ रहना गुनाह क्या है। और अपाय गहलोत साहब की तरफ से फैले जा रही पार्टी छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, एक भी दिन विधायक सत्ता साहब ने यह बात कहीं पर भी वीडियो जारी करके नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। ये सारी अफवाहें चल रही है। वल्लभ नगर तहसील में गहलोत साहब के व्यक्ति से चुनिंदा व्यक्ति जो आज रैलियां निकाल रहे हैं, वो चुनाव के टाइम जनता सेना को जिताने के लिए पैसे बांट चुके हैं। और दुर्भाग्य इस तहसील का कि जिनको पद दिया भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, ना चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने जनता सेना के साथ मिलकर उस प्रधान को हटाया भ्रष्टाचार के वजह से, लेकिन दुर्भाग्य रहा जनता सेना ने कभी कार्रवाई नहीं करी, न कोई जांच करी, संबंध उसी व्यक्ति से कांग्रेस को हराने के लिए घूमे, आज वो व्यक्ति विधायक के ऊपर लांछन लगा रहे। मैं अपने आप दुर्भाग्य मानता हूँ। बाकी वल्लभ नगर तहसील में अगर कांग्रेस पार्टी कभी जीत सकती है तो मात्र गजेंद्र सिंह सत्तावत के नाम से जीत सकती है, इसमें कोई दोराय नहीं है। आप पूरी तहसील में सर्वे करवा ले, गहलोत साहब एक एक व्यक्ति से एक एक कार्यकर्ता से पूछ ले, हर कार्यकर्ता एक ही बात कहेगा कांग्रेस हम गजेंद्र सिंह जी से जानते हैं, इसके अलावा हमारे को कोई पता नहीं। गजेंद्र सिंह जी जिंदाबाद।